ये कौन सी टी शर्ट आते किसको पहनते कैसे हैं क्या किसको वोट करोगे एल्विश और अभिषेक में से किसी एक को वोट कर दो गाइस देखो पूजा भट्ट सुंदर तो थी है ये हमारा कुत्ता किसी काम का नहीं है सौरभ जोशी के कुत्ते ने बता 22 मिलियन दे दिए तू अभी हम आए हैं यहाँ पे जनकपुरी में गया टोटल यहाँ पे सेल लगी हुई है वन हैव टू मीनिंग्स एक समान होता है जो चक्कू होगा ये कौन सी टी शर्ट आप किसको पहनते कैसे हैं जो एक बात तो देख सरदारों की बंदी तो मुश्किल थी इसको गाली बकनी दिल से और पड़ा उसको कुछ हो गया ना रोशन जिंदा नहीं जान दूंगा अगर Hey guys, welcome back to another vlog. तो गुड मॉर्निंग शाम के 6 बज गए और मैं अब जाकर उठाऊँ एक सेकेंड एक कॉल आ रहा है अब मैं सो के उठ गया ठीक है तो मैं नहा दो तो मैं लिया ही था आज फिर मैंने समझ रहे थोड़ा ये वैक्स वगैरह करवाई तो क्या मतलब मैं कल जा रहा हूँ वो बिग बॉस का फिनाले देखने नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी हम दो तीन मतलब हम तीन चार दोस्त जन मिलके जाते हैं कहीं यहाँ पे बता रहे हैं कोई कहीं जाना उसको सामान लेने मेरे को भी एक आधी शर्ट वगैरह लेनी है और उसको प्रोटीन लेना है सामान वगैरह लेकर आते हैं और करते कुछ बकचोदी है ना बहुत दिन हो गया यार मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला मतलब तीन चार दिन से नहीं डाला वो तो महीने भर से मैं ऐसे इरेगुलर से चल रहा हूँ एक बार कॉलेज स्टार्ट हो जाए ना फिर थोड़ा ट्रैक पर आ जाएगी मतलब जो भी चल रहा है टाइम वाइम अपना जो भी सेट हो जाएगा सब कुछ कैसे कब किस टाइम जाना है कैसे नहीं जाना सब हो जाएगा ये पता नहीं जल गया तो अब जल्दी चलते हैं सामने खड़ा है मैं तैयार हूँ बस चप्पल उठाते हैं चलते हैं सीधा आ जाओ मिलवाता हूँ तीन चार दिन नहीं होंगे हम ज़्यादा नहीं कहाँ है वो क्या के हाँ बहुत दिन हो गया ना तू व्लॉग में नहीं आई है ये हमारा कुत्ता किसी काम का नहीं है सौरभ जोशी के कुत्ते ने बता 22 मिलियन दे दिए तू हमें 1 मिलियन दे एक 10,000 नहीं करवा पा रही किस काम का इसको मैं बाहर फेंकाऊंगा चल बाय इसकी कुछ एक्टिव हो जा थोड़ी भाई जो पूरा दिन ना सोती रहती कुछ एक्टिव हो जा ना थोड़ा सा हिलडुल लिया कर थोड़ा हंसी मजाक कर दिया कर काट लिया कर किसी को मेरे को कंटेंट दे थोड़ा हमारा भी कुछ ग्रोथ कर क्या मतलब निकल गाली बकरी है निकल हैं इसकी मोदी जी को वोट दो गाइस हां भाई रुकूंगा थोड़ी देर में ग्रेटी निकल रही है भाई कैसी गेम खेलता भाई तू टट्टी सी ओ आंटी ये गाइस ये देखो ये रिली में ना 15-15 रुपए में जाते हैं साले पेट्रोल के उसमें बताइयो तू भी तो कहते खादी बात तेरे को ही बोल रहे थे ना भाई बता बिग बॉस कौन जीतेगा शिवम कहां पे तूने वोट किसको दिया है मैंने तो अविनाश को दिया है अविनाश बहन के लिए वो बाहर वो घर से ही बाहर है साले पूजा भाट तू बता कौन जीतेगा रोशन मैं देखता ही नहीं ओए इसकी जीन्स देख ले ओए इसकी जीन्स देख ले मैं नहीं देख रहा ओए होए 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 भाई टप्पल भाई टप्पल है पढ़ाई कितने की है कितने की है 1500 की टांग इतनी महंगी तो नहीं पहन सकते हम के लंड मालिक का केबिन ये वाला होता है जहां तेरा भाई बैठा है अरे पीछे दो बंदे बैठे हैं तो मालिक वाला हां तो पीछे तो बैठता वो मालिक होता है आगे ड्राइवर बहन के लंड ये ड्राइवर बैठा है ये पीएसओ बैठा रखा हमने बहन चोद आगे देख गाड़ी चुपचाप ये क्यों ओए इसको तो इसलिए बिठाया गाड़ी में धूल मिट्टी उट्टी लग गई बहन चोद तो इसको साफ आउट करने के लिए बिठाया गाइस यहां पे ऐसे ही जाम लगा जाता है यार हमारे यहां निकलते ही इनको पता चल गया होगा ना कि मैं हूं वो कौन सा गाना है स्टोरी लग दी क्या कौन सा गाना था वो कौन सा स्टार है पॉन स्टार क्या कह रहा है ये बहन का थोड़ा पागल हो गया ये गांडू सीट बेल्ट लगा रखी है गली में सीट बेल्ट अरे पै 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 पता नहीं कौन चला आई स्कूटी ला रहा था साइकिल ला रहा था स्कूटी ला रहा था लेकिन ये कह रहा था हेलमेट लेके पेट्रोल डलवा देना नहीं हेलमेट वो तो आगे बोलता इनके इनके उसमें लिखा हुआ है अपनी चीज पे ये नहीं कर सकते ओए रोशन को गाड़ी दे चलाने को
तो एसी नहीं है क्या इस गाड़ी में? चला लेना भैंचो, चला लेना ये तो रहा। वो कहाँ जाना है? वंडर हाउस कह रहा है। वंडर हाउस हॉन्टेड हाउस वंडर हाउस में पता नहीं पता क्या तो पूछ रहा हूँ मुझे क्या पता साले बोलना तो होना चाहिए। मतलब क्या होता है? अच्छा अच्छा हॉन्टेड का मतलब क्या होता है? हॉन्टेड मतलब क्या होता है? क्या हॉन्टेड? हॉन्टेड वो तो वाली जगह मुझे तो लगा हॉन्टेड मतलब होता है डरावनी जगह, भूतिया तो नहीं होती। भूतिया ले ले, डरावनी ले ले। हाँ चल, रोशन ने जो बोल दी वही हो गई, ठीक है सारी बात खत्म हो गई। बहन चल डिक्शनरी चेंज कराओ, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड में सब जगह यही लिखवाओ। आजकल सब कुछ चल रहा है। रोशन वो तो बोल दे, क्या बोला था तू? गाड़ी क्या किसी के पीछे क्या किसी पे ठोक दो, क्या कह रहा था तू? ठोक दे देखी जाएगी, आगे बच्चे बंदे बैठे हुए ना। मेरे पीछे नहीं है, तेरे पीछे मैं नहीं हूँ। बच्चों वाली बातें कर रहा है, बंदा थोड़ी है तू। अच्छा तू अल्लाह का बंदा है क्या? अल्लाह के बंदे नेड़ है इसकी जेब में, नेड़ भैया क्या चेक कर रहे हैं? आ रहा हूँ दो मिनट में, ठीक है यहीं रुको बेटा, चलना। तू क्या करने, तू क्या घर जा रहा हमारे साथ? है रोशन तू कहाँ जा रहा है? तू कहाँ जा रहा है? सामान देखने का मतलब हम दिल्ली वाले भी देख लेना। दिल्ली वाले सामान का मतलब दो होता है, पहला सामान लेके रखते हैं और दूसरा सामान जो आगे पहुँच रहा है। ड्राइवर कहाँ है? नीचे है क्या? कहाँ है वो? वो आ गया, अबे आ तो गया, आ रहा है चला जा। वन हैव टू मीनिंग्स, एक सामान होता है जो चक्कू गन वगैरह, ठीक है दिल्ली वालों की नज़रों में, और दूसरा सामान क्या होता है वो तुम्हें अंदर में आके दिखाता हूँ कौन सा सामान की बात हो रही है। इसके लिए तो आया हूँ मैं। क्या चाहिए तेरे को? मैं तो गलत जगह आ गई क्या? ठीक है, गंदे कपड़े हैं आज, कितनी चीप जगह लेकर आ गए। भाई मेरा दूसरा सामान यहाँ पे है, ये सारा सामान ही है। है कॉलेज के लिए ले लूँ मैं ये? मैच कर रही है। वाओ, रोशन पीछे इसको लगाइयो एक बार, अबे लगा तो सही, एक बार लगाइयो एक नंबर लग रहा रोशन। और चले चल आगे चलना, जगह बच्चों में जगह लगा रखा मारने से ज़्यादा। जूते का रोशन ले ले, घर पे पढ़ते ही है। इसको पेन चालू है, इसको पेन के निकल जाऊंगा। इसको पेन के ओ भैया से भाई ये टो बैग है, छपरियों के लिए पिलो का है, पिलो है ये, पिलो का अच्छा पिलो का भर गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, सब्जी का थैला ये। जो सोच कर अबे इन्होंने अपना प्रमोशन कर लिया, रील में हयात वालों ने, हो सकता है इतना गंदा सामान कुछ मिला ही नहीं हमें। तो जो खरीदा ना, इंपोर्ट का सारा सामान पहले खुद खरीदा, फिर अभी बीच में
भाई इंपोर्ट वाला तो खुद क्यों खरीद, कंपनी ने डायरेक्ट भेजा है यहाँ पे। अबे ये बुक करके आता है फ्लोर, तो वही तो कह रहा हूँ फ्लोर बुक होता है, किराया पे मिलता है एक पर, इनका चार दिन का रेंट लगेगा, इनका चार दिन का रेंट लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि इन्होंने वो इन हयात वाले ने खरीदा होगा। तो इस पे इतना टाइम हो गया, अब ये वो एक छोटे सी सेल खरीद के डाल देगा वैन चले। हाँ वैन सामान और रूबीकॉन चली गई यार, शिट गाइस, थार पे रूबी कौन लिखा रहा है। जो एक बात तो देख, सरदारों की बंदी तो मस्त हुई थी भाई, वो तो एक खड़ी बात है ना। अभी देखना गाइस, तो मैं कर दूंगा हल्का सा कैमरा उधर, हराम ही ब्लॉग है। क्या बोल रहा तू? नहीं मैंने नहीं सुना भाई, ये फैक्ट है। क्या एक सेकंड मिलता हूँ अभी। क्या ब्लॉग लोग तो अभी कल ही आते हैं। अबे रेडियो बंद करिए, पर गोकू ऐसे खड़ा कर देगा। ये गोकू टेढ़ा क्यों हो रखा है पोज में अपने, क्या ये गाइस देख रहे वो दे रहा है। नहीं बे ऐसे पोज में तो कैसे ही देगा। बीजे भाई कभी भाई हम पूरा पूरा दिन हमारा कैसे निकल रहा है भाई, बीजे भाई खेल खेल के खेल खेल नहीं चलेगा क्या? सारी बात छोड़ो गाइस, देखो अब बिग बॉस में अभिषेक, एलविश और कौन, पूजा और कौन है बेबी का, ये पांच जने रह गए, मनीषा सॉरी ये पांच जने रह गए। मैं भी यूट्यूबर हूँ एक तरह से, ठीक है ना, तो हमारी तरफ से पूजा भट्ट को जितवा दो, अवार्ड दे देना पूजा भट्ट को। गजब बेइज्जती है। हम सबने एक एक वोट सबको दिया, मैंने पूजा भट्ट को दिया, तूने अविनाश को दिया, तूने अविनाश को दिया था लेकिन निकल गया बेचारा। तूने किसको दिया भाई? इसको दिया इसने। मैंने एल्विस को दिया। इसने हमारे आगे प्रधान को दिया। किसको वोट करोगे, एल्विश और अभिषेक में से किसी एक को वोट कर दो। पूजा नहीं है, पूजा तो डायरेक्ट फैन हो ना मैं उसका, उसको तो बहन चो पूजा जीत गई तो बोल रही पागल हो जाएगी पब्लिक, साले बिग बॉस बंद हो जाएगा अगर पूजा जितवा दी गलती से भी, पर मुझे लग रहा है पूजा जीत जाएगी, देख लियो कसम से, क्योंकि उसके अंदर फोन है ना भाई, उसके पास सिस्टम है पूरा अंदर का, पूरा बिग बॉस उसके उसमें मतलब समझ रहा, सारी चीजें सब कुछ तो वो रूल के खिलाफ करती है। अरे पता है उसका मेन क्या काम था, वो आई थी अपना इमेज सुधारने के लिए। इमेज कौन सी इमेज भाई, वही तो क्यों बिगड़ी हुई थी ना भाई। देखो पूजा भट्ट सुंदर तो थी, ये सुंदर तो थी, अबे टी शर्ट गई माँ चुदाने, समझा बिग बॉस की बात चल रही है, इतनी सीरियस टॉपिक है बहन के, कल को यूपीएससी में आगे क्या जवाब दूंगा मैं, कल को कास्टिंग करने लगी हमको ले लिया तो फिर हम क्या बोलेंगे। तो पूजा भट्ट ने छोड़ दिया था, मिल गई थी अपने बाप से, वो तो टीआरपी के चक्कर में उसको लाए महेश भट्ट। ये देखो गाइस इससे पूरी स्क्रिप्ट पड़ी है बिग बॉस की, बता दे मैं, बता दे कुछ तैयारी चल रही है, अगले सीजन की तैयारी चल रही है भाई की, जाम लगा पड़ा है। अच्छा सीधा जनकपुरी से हयात से बाहर निकलेगा, द्वारका में चढ़ जाएगा, यहाँ से राइट लेते वो वाला रास्ता आ जाता। कौन सा रास्ता था मेरे को बता, से राइट निकलते पीछे पेट्रोल पंप वाला रास्ता आता, डीसी के वहां से जाके डीसी में मिलती है, वहां से पीछे पीछे चले जाते सीधा भाई, यहाँ से सीधा कटेगा ये डीसी कटेगा, तू वहां से बहुत पीछे से मुड़ के आता तू, शर्त लगा हां यहां से लेफ्ट ले, इंडिकेटर चलाते हैं बच्चे हो तुम, दो साल यहां नहीं हो मैं फिर भी रास्ते याद है, इंडिकेटर चला है वेंटिल के बीच में आ जाएंगे, नहीं तो घंटा फर्क नहीं है लग गया, रोक लेना फिर इस पे, इसी पे कह रहा है पक्का, ये अबे तो चूतिया है क्या, आंटी को देख ले साउथ इंडियन ने, वो अबे तो क्या हो गया, साउथ इंडियन ने तो जा रहा अंकल, ये डाल दे अंकल पे, चढ़ा दे चढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं चढ़ा दे नहीं, कोई अंकल ही तो है कि चढ़ा दे भाई। वैसे पैदल घूमते हैं आज गाड़ी में तो बताओ, पीछे तक चल के भी नहीं जा पा रहे हैं बंदे। चार डोसा में हो जाएगा, चल ठीक
क्योंकि चार तो फिर तुम क्या खाओगे अगर चार ले लिए तो। क्या लेना है तेरे को, फोन लेना है? iPhone 6X Max मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओगे। अबे 13 प्रो 13 प्रो रोज गोल्ड है। शिवम अगर सही नहीं हुआ ना तो पेमेंट तू करेगा सारी, फिर कॉन्ट्री नहीं है, पक्की बात होगी। चल ठीक है। मैं तो जानबूझ के बोल दूंगा बेकार है। आगे लेकर ये लाल वाली चटनी, ये सांभर है, ये वाइट चटनी, ये डोसा है। ठीक है रात रखे तो देना देखा ना, इधर आ जाना टेस्ट पे दे रहा हूँ। ठीक है सर, ये पानी का शेपर वाइट वाली चटनी मज़ा नहीं आता। देख खा के देख, तू खा के देख। अरे भाई चलने दे, मतलब नारियल की चटनी का थोड़ा स्वाद होता है ना, वो नहीं आता। खुद बताएगा देखो, ऑनेस्टली बता। अरे भाई यार जैसा भी है खा के देख, खा ही लेते क्या ही। अब क्या करूं भाई, जैसा भी है खाना तो है ही। ठीक है बंद कर दे भाई। अरे हो गया भाई, क्या कर रहा है तुमने, क्या कर रहा है भाई? डोसा खा लिया, वो तो पसंद नहीं आया। अब ये बड़ा मंगाया है भैया, क्या बोलते हैं इसको, बड़ा बोलते हैं ना, बड़ा बड़े की। हेलो कहाँ पर है? सारे पैसे वेस्ट करा दे अभी आके, फिर एक इसको गाली बकनी है दिल से। तूने तो 400 रुपए की बेंच दवाई है ना यहाँ पे, बैठ के थोड़े मजा आ गया। 400 रुपए की मार छोड़ी इसने, मार की कसम इतना टट्टी खाना बेंच यार। वही 400 रुपए कुछ और नहीं खाते यार, ऐसे ही मत बोल टट्टी यार। भाई सही में यार बेकार था कसम से, कोई सही था 400 रुपए का नहीं, ठीक था। ए बहन के लंड बड़ी जल्दी पलट गया, अभी तो गाली बकरा था। अब तो खा लिया, अब क्या बुराई करनी है। अब तो पैसे कर दिए, अब तो पैसे भी दे दिए, अब तो वापस भी नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई क्या ही बोल सकते हैं, चलो अब चलते हैं द्वारका। बीजीएम सनक, ओ सनक बादशाह ड्रिंक लाइक अ फिश तेरे हवाले। मैंने नहीं चलाई, कल चल रहे थे ना। फैया साइको कैट वॉइस चले जैसे हवाएं पवन। अरे मैंने चलाया इसका लगता है कैसे मैं ऐसे गाने सुनूंगा। कैट वॉइस, कैट वॉइस, कैट वॉइस, कैट वॉइस चला के। गाइस न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है, लेट्स गो स्टेसी हसला। मुझे लोअर लेना था, लोअर ठीक है तो ना गया। बाकी तो गाड़ी में बैठे हैं, मैं आ गया। कहाँ गए सारे? मिल गया। अरे कल मैं बाइक पे आया था ना जिम से, तो मैं बाइक पे बैठा, मेरा लोअर फट गया पूरा, अब नया तो लेना ही था। This is how Decathlon looks like. हो गया मेरा लोअर एक, परसों बाइक पे फट गया था ना। कोई यहाँ पे शेकर मिल जाएगा, शेकर होगा। गैलन चाहिए वाटर चाहिए, गैलन चाहिए वाटर चाहिए, क्या चाहिए देखो? पीने का पानी चाहिए। अरे यहाँ थोड़ी मिलेगा पीने का पानी। अब तू चाहता है तो Decathlon आके कोल्ड ड्रिंक भी मांगे इनसे। नहीं यार ज़्यादा महंगी है, 1200-1300 रुपए की बोतल पानी पीऊँगा क्या मैं? अभी तो यूट्यूब पे पैसे भी नहीं आए। पिन ही नहीं आ रहा यार घर पे, पता नहीं क्या हो रहा है। मोनेटाइज होने के बाद भी पिन नहीं आ रहे, ड्रामे चोड़ रहे हैं अभी यूट्यूब वाले। सब गाली बक दो एक बार यूट्यूब वालों को ना। अब भाई तू खजरा है, चल ना आ जा, आ जा यार अगले दिन, नेक्स्ट टाइम। घर वाले इतने गाली बकते हैं ना, ये कहाँ रह गए पागल हो गए क्या? शिवम आना भाई, माँ कसम मेरे घर वाले इतने परेशान हो गए ना जब से हॉस्टल से आओ ना। अरे हैंचे से उड़े तो हॉस्टल में सही था। हर दो दिन में कुछ ना कुछ चाहिए इसको। अब मैं बोलूँ मम्मी प्रोटीन दिला दो, क्रिएटिन भी चाहिए, और अभी तो एक आदि जुराब नहीं लेने मैंने आपसे।
हंस क्या रहे साले, अच्छी चीज है, लोग मोटिवेट हो कैसे देख के ये दे। नहीं नहीं देते भाई, और क्या लेते हुए भी बैन तो मेरे पे क्या हराम का पड़ा है, ये ले ठीक है ब्रो, मेरे पे क्या तो हराम के पड़े बैन, तो 100 रुपए ऐसे दे दे देखिए उसको साले, तो पापा मम्मी ने कमा रखे इसके, तेरे हैं भाई वैसे लेने थे 90 रुपए। पैंटालून भी जाना है ना, शर्ट लेकर आनी है, ब्रांड चंद्रयान 3 गाइस, ज्यादा व्लॉग नहीं बना रहा मैं, ये बीएम आगे नीचे जाकर रोक दूंगा, ये रहा बटन है। चूते के सेंसर ही खराब है तेरे, ओए तेरे खुद के सेंसर खराब है, सारे बंद ही नहीं कर पा रहा तू तो। नीचे का जा रहा है पार्क, यहीं तो होगी पार्क, बहुत नीचे करके आएगा, क्यों घूमना तेरे को, अबे मैंने बंद कर दी थी अब इसी रोक के गाड़ियों के पीछे बंदे आ रहे हैं, वो हमें देख रहे क्या यार, उसको पता चल गया हमने ही रोकी थी, पर तो कुछ नहीं हो रहा, मैंने आंटी लाइट चली गई, ओहो ड्राइवर तुम बिना गाड़ी कहीं भी लगा देते हो, अब हमें परेशान होना पड़ा, जाओ लेकर आओ, हम यहीं खड़े हैं, इससे भी नीचे गड़ी पागल है क्या, अबे इससे नीचे तो कुछ है ही नहीं, अरे यार यही क्या गड़ी है, या तो इसके अंदर इससे ऊपर वाले, अबे यार ये मजे ले रहा भाई, यहां ये पार्किंग भूल भुलैया है भाई, कहां ढूंढे, नॉनवेज तो हम खुद नहीं खाते, हां तू क्या बोल रहा था भाई, मैं कह रहा हूं 1 महीने बाद मिल जाएगा, क्यों फेस ऑफ क्यों, ऐसा क्या करेगा तू 1 महीने बाद, ऑफर लेटर ना रखेगा इतना, नहीं प्रोटीन लेकर आया ना, क्या 1 महीने बाद मिलती हो, गाइस आई एम नाउ स्टार्टिंग माय इनबॉक्स ऑफ मस्त हो रहा, घर चलते हैं, और पड़ा उसको कुछ हो गया ना रोशन, जिंदा नहीं जान दूंगा अगर, है ना, तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ठीक है, आज की इतनी बकचोदी थी बस, किसको वोट करना है भाई जल्दी बता दे, वोट हो जाएगा कल, अविनाश, ठीक है गाइस अविनाश, पूजा भट्ट, किसको वोट, एल्विस पापा इसके, ठीक है सुनो गाइस तुम ना वोट करना किसको, एल्विस और अभिषेक में से किसी एक को वोट कर, मतलब वोट तुम्हारी मर्जी है यार, करो ना करो, कौन सा तुम्हारे घर लेके आ रहा कोई कुछ, है ना, अब मिलते तुम्हें अगले ब्लॉग में, चिकन क्या बज रहा है भाई, खुला होगा, हाँ हाँ कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से ले लूंगा, नहीं तो फिर ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, और क्या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कितने घड़ी है भाई ये, 4000 के, कम मां कसम 4000 के, 1200 गए 1300 गए, सर जा रहे थे और अब जाम लग गया बहुत गंदा भाई, कितना जाम है बताइए भाई, बहुत तगड़ा है भाई, आगे किसी ने लीक कर दिया कि तरुण गाड़ी में बैठा हुआ पीछे, और वहां गए दंगे होंगे, हो गए रोड देखना, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं रोड देखो, ये देखो वो बहुत आगे जाना है भाई, वो देखो हल्की सी लाइट जल रही है, वहाँ तक जाम है, वहाँ तक मतलब कम से कम कितना आधे किलोमीटर से ऊपर का जाम होगा, और क्या भाई पीछे देखना, पीछे तो लंबा है, तो अब मैं जा रहा हूँ आगे जाके उनसे मिल लूँगा जो आगे जाम लगा के बैठे हैं, भाई जाम देखो, ये देखो वो वहाँ पूरा रोड यहाँ तक का जाम है, मतलब वो देखो ये जाम लगा हुआ है,